नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई होप सभी सही सलामत हो गए। तो ये देखिए मेरी धर्मपत्नी और एमी, हम सब आए हैं बंगमी खाने के लिए। तो बंगमी खाएंगे आज। तो दोस्तों, बंगमी कुछ इस प्रकार की होती है, देख लीजिए आप भी। सुबह का नाश्ता यहाँ पे देखो बन रही है, ताज़ी ताज़ी बंगमी। इसको बंगमी कहते हैं। अब नॉर्मली वेस्टर्न स्टाइल में इसको हॉट डॉग कह दो आप, हमारे इंडिया स्टाइल में क्या कहोगे, सैंडविच या बर्गर टाइप में। तो ऐसे बनाते हैं, देखो इसके अंदर कुछ सब्जियां वगैरह डाल दी है, सॉसेज वगैरह होती है कुछ। तो ये चिल्ली सॉस डाल दी इसके अंदर और साथ में बटर वगैरह लगा दिया, और फिर इसको माइक्रो ओवन में थोड़ा सा हीट के लिए डाला जाता है। तो ये दोस्तों वियतनाम में बहुत ही फेमस है। अगर कोई फॉरेनर बाहर से आएगा, कुछ खा ना सके लेकिन बंगमी वो भी खा लेगा। तो टुडेज़ ब्रेकफास्ट बंगमी। तो अभी दोस्तों हम मार्केट की ओर आ गए हैं। मार्केट से हमने थोड़ा सा फ़िश भी लेना था आज, क्योंकि हम बनाने वाले फ़िश करी। तो यहाँ का मार्केट कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो अभी हम ऑलरेडी घर पहुँच चुके हैं और इसके बाद कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा हौसला 4 गुना और बढ़ जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके लिए और अच्छा मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हो तो लाइक कर दीजिए। और साथ ही में बेल आइकन भी है दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी हम नया वीडियो बनाए उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग, ले चलते हैं आपको किचन की ओर। तो ये देखिए मछली का प्रिपरेशन शुरू हो गया है। इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, अब थोड़ी सी मिर्चें डाल रहा हूँ। इसमें पहले स्पाइसेस वगैरह, मछली को धो धा के रेडी कर दिया है। पहली बार दोस्तों मैं बना रहा हूँ, देखते हैं कैसी बनेगी। और मैंने मछली खाई भी नहीं वियतनाम में कभी, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो इसमें मैंने हल्दी और मिर्च डाल दी है, अब इसमें नमक भी डालना पड़ेगा। नमक ढूंढते हैं। तो ये इसमें मैं नमक डालता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अब इसको दोस्तों मिलाना भी पड़ेगा, इसके ऊपर अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ग्लव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुकिंग तो कंटिन्यू है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में कुकिंग के बाद में मैं आपको बहुत ही एक तगड़े वाले गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है तो वो कुकिंग के बाद दूंगा, आप प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो ये देखिए इस तरीके से इसको, जो मसाला मैंने डाला है हल्दी मिर्च और नमक, इसको अच्छे से इसके ऊपर लगाना है, और फिर इसको कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगा, कम से कम 15-20 मिनट तक मसाला लगा के इसको ऐसे मैं रख दूँगा। कुछ इसमें अच्छे से नहीं लगा है, आई थिंक मुझे और हल्दी वगैरह डालना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, ये इनफ नहीं हो पाया है। थोड़ा सा और इसमें मसाला डालते हैं। दोस्तों ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई रेसिपी वगैरह मैं किसी को नहीं सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे आज पहली बार बना रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि हम भी ये वाला स्टाइल कॉपी कर दे। तो ये कोई रेसिपी वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। वैसे मैंने भी YouTube में ही वीडियो देखी कि कैसे इसको बनाना है, तो थोड़ा सा आइडिया मेरे को हो गया है, और अब इसको मैं बना रहा हूँ। तो लगा दिया इसमें मैंने अच्छे से मसाला, अब इसको रखेंगे थोड़ी देर तक।
तो देखिए कैसे इसमें कलर आ गया एकदम से। तो अब शुरू होता है दोस्तों बाकी का काम, देख लीजिए। टमाटर मैंने काट के रख दिए है, प्याज भी बड़े बड़े टमाटर काट दिए, लेकिन इसको अब ग्राइंड करना होगा। तो ये रही लहसुन और अदरक, तो मैंने फ़िश को फ्राई करने के लिए लगा लिया है दोस्तों। देखिए इसको पहले फ्राई करना है, मैंने इसको कम से कम 20-21 मिनट तक रखा हुआ था। तो इधर मैंने इसको भी साइड में लगा दिया है, और देखिए ये दोस्तों ग्रेवी तैयार हो रही है। तो अंदाज़ा लगा लो आप डिलीशियस होने वाला या नहीं। पूरा बढ़िया कलर आ रहा है ग्रेवी में, इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। तो दोस्तों ग्रेवी को डिलीशियस बनाने के लिए मैंने ये किया है यूज़ कोकोनट क्रीम। तो फ़िश बनके तैयार हो गई कुछ इस तरह से। तो दोस्तों फ़िश करी तो हमने खा ली है, एकदम से कूल एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बना भी सही था, उतना बेकार नहीं बना था, लेकिन थोड़ा सा उसमें अजीब क्या लगा मुझे कि जो मछली के अंदर कांटे होते हैं वो ज़्यादा चुभ रहे थे। तो ये भी एक वजह है जो कि मैं फ़िश नहीं खाता हूँ, और दूसरा थोड़ा उसमें जो स्मेल होता है वो अलग ही तरीके का आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फ़िश को कम ही खाता हूँ। लेकिन जो ये गुड न्यूज़ है दोस्तों, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन है और बिजनेस वोमैन है, या फिर कोई एक्सपर्ट्स है जो वियतनाम आना चाह रहे हैं काम के सिलसिले में, ट्रैवलर के लिए नहीं है। तो इसीलिए ये बात आप माइंड में डाल दीजिए कि अभी भी ट्रैवल के लिए कोई अपडेट नहीं है। गुड न्यूज़ कुछ इस प्रकार की है कि अभी 31 जुलाई को एक फ्लाइट आ रही है नई दिल्ली से वियतनाम हनोई। तो अगर कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी पर्सन आपके जानने वाला या आप में से कोई वियतनाम आना चाह रहा है इस वक्त, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, फ़्लाइट डिटेल में दे दूंगा। तो अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और जो आपका वियतनाम में कॉन्टैक्ट पर्सन है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि वो आपका जो डॉक्यूमेंट है प्रोसेस स्टार्ट कर दे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कुछ दिन पहले मिल गई थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, तो अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इससे अवेयर नहीं हैं तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वियतनाम एम्बेसी जो दिल्ली में है, तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइडलाइंस का भी वहाँ से पता लग जाएगा कि क्या क्या गाइडलाइंस वहाँ पर फॉलो करना है। अब दूसरी गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि जो पहले वियतनाम में 14 दिन का क्वारंटाइन होता था उसको बढ़ाकर 2-3 महीने पहले 21 दिन किया गया था, लेकिन अब फिर से एक बार दोस्तों उसको 14 दिन के लिए ही किया गया है। तो अब जो क्वारंटाइन पीरियड रहेगा वो सिर्फ 14 दिन का रहेगा, तो आपको ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करना पड़ेगा होटल में। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है, तो अब आपको सिर्फ 14 दिन ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और उसके बाद आपको घर पर 14 दिन के लिए और क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये नहीं है कि फिर आप सीधे खुले घूम जाओगे, लेकिन घर पे आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा फिर से। तो ये दो दोस्तों आज की गुड न्यूज़ थी। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री है दोस्तों, आप कर दीजिए प्लीज़। तो साथ ही में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी हम नया वीडियो बनाए उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू एंड पीपल अराउंड यू, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।